क्वेश्चन है 194। इसमें क्या बोला आपको, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम विद ए डी एंड बी सी पैरेलल साइड्स। आपको ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम दिया गया है, हम पहले ट्रेपेजियम बना लेते हैं ए बी सी डी। सपोज ये ट्रेपेजियम है हमारा ए बी सी डी, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, विद ए डी एंड बी सी पैरेलल साइड्स, ए डी और बी सी पैरेलल हैं। इसको नाम देता हूँ मैं ए बी सी डी, ठीक है। तो पैरेलल साइड्स कौन सी बनी मेरी, पैरेलल साइड्स मेरी बन गई है ए डी एंड बी सी। ए डी और बी सी मेरी पैरेलल साइड्स हैं। ई इज़ अ पॉइंट ऑन बी सी, ई कोई पॉइंट बी सी के ऊपर ले लो, ये मिड पॉइंट नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है। मैं थोड़ा यहाँ पे ले लेता हूँ इसको, ठीक है। ई इज़ अ पॉइंट ऑन बी सी, ई ले लिया पॉइंट। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए बी सी डी टू डैट ऑफ ए ई डी, आपको रेशियो बतानी है किसकी, एरिया की, ए बी सी डी और दूसरा क्या है, एरिया ऑफ ए ई डी। ये ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, तो और ए ई डी क्या है, ए ई डी बना लेते हैं, ए ई डी इसकी बात कर रहे हैं वो, ए ई और डी जो ट्रायंगल बना है, ठीक है। इसकी रेशियो, इस वाला ट्रायंगल का एरिया नीचे, और पूरा जो ट्रेपेजियम है हमारा, जो हमारा ट्रेपेजियम पूरा है ए बी सी डी, उसका एरिया ऊपर, इन दोनों की एरिया की रेशियो बतानी है, ठीक है। ओके फिर करते हैं। अगर मैं इसको ट्रेपेजियम को दोबारा यहाँ बनाऊँ, एक बार देखना, इसको दोबारा समझाने के लिए बना रहा हूँ जस्ट आपके। ये ट्रेपेजियम बना लिया मैंने, और एक पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे ई, और इसको इसे जॉइन कर दिया, ठीक है। इसको नाम दे दिया ए बी सी डी, तो ई है। हमें ऊपर चाहिए एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी से ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी कैसे निकालोगे, वो कैसे निकालोगे, हाफ इंटू, हमें पता है फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, यही होता है। और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा जो ए ई डी है, उसका अगर फॉर्मूला लिखूँ तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी मीन्स ए ई डी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला कहता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मीन्स आपने इन दोनों की रेशो निकाली, मीन्स इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, ये फॉर्मूले भी क्या हो जाएंगे आपस में डिवाइड हो जाएंगे, आपने यही निकालना है ना। तो हाइट तो पता ही नहीं हमें हाइट क्या है, पर एक चीज़ आप इसमें नोट करो, ध्यान से देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल, इस ट्रेपेजियम में हाइट बनाता हूँ, सपोज करो मैं हाइट यहाँ पे बी सी के ऊपर हाइट बना रहा हूँ, ये देखो ये मैंने ट्रेपेजियम की हाइट बना दी, ठीक है। ट्रायंगल की भी हाइट बनानी पड़ेगी, ट्रायंगल की हाइट बना लेता हूँ, ट्रायंगल की हाइट मैं बना रहा हूँ यहाँ से लेके, यहाँ मान लो यहाँ बना ली, तो जो हाइट होएगी ट्रेपेजियम और ट्रायंगल की वो सेम होएगी, क्योंकि जो डिस्टेंस है बीच में, क्योंकि जो ट्रायंगल है उसकी बेस ए डी है, ए ई डी की जो बेस है ना, ट्रायंगल की बेस ए ए डी है, उसके ऊपर हाइट क्या गिर रही है, ये हाइट गिरी ये वाली, और जो ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, उसकी हाइट क्या बनाई मैंने, इसके हम नाम लेता हूँ, अभी इसका नाम देता हूँ पी, इसका नाम देता हूँ क्यू। जो ए पी है वो हाइट किसकी है, ट्रेपेजियम की, और जो ई क्यू है वो हाइट किसकी है, ट्रायंगल की, ये दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। ए पी किसके इक्वल है, क्यू ई या फिर ई क्यू के, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के बीच जो डिस्टेंस है इक्वल होगा, तो ठीक है। हमें फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स क्या है ट्रेपेजियम की, ए डी और बी सी, ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स ले लो, ए डी प्लस बी सी इंटू हाइट, हाइट मैंने ट्रेपेजियम की क्या बनाई है, ए पी अपॉन हाफ इंटू, यहाँ पे बेस क्या है ट्रायंगल की, ए डी, ए डी इंटू हाइट, हाइट क्या है, ई क्यू। ए पी और ई क्यू तो इक्वल है, कट जाएंगे, ए पी किसके बराबर है,
ई क्यू पे, ये कट गए तो 1/2 से 1/2 कट गया, तो आंसर क्या आया ए डी प्लस बी सी अपॉन ए डी है वही ऑप्शन, ए डी प्लस बी सी अपॉन ए डी फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 195 है। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर सर्कल इज इंस्क्राइब्ड टचिंग इट्स साइड्स द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ट्रायंगल इज। आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या था, जिसकी तीनों साइड्स क्या होते हैं इक्वल। सपोज करो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड क्या है 24 सेंटीमीटर है, सारी साइड्स की 24 सेंटीमीटर्स हैं। इसके अंदर एक सर्कल है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड टचिंग इट्स साइड्स। ठीक है, इंस्क्राइब मीन्स हमेशा अंदर, इंस्क्राइब मीन्स क्या होता है अंदर बनेगा सर्कल। इसके अंदर एक सर्कल बनाना है हमने टचिंग इट्स साइड्स, तीनों साइड्स को टच करे। ठीक है, तो मैं इसके अंदर सर्कल बनाता हूँ जिसके तीनों साइड्स को टच करे। ठीक है, थोड़ा सा टच नहीं किया, दोबारा बना लेते हैं इसको। ठीक है, सपोज करो ये सर्कल है जो कि इसकी तीनों साइड्स को टच कर रहा है, इंस्क्राइब कर दिया हमने इस सर्कल को इसके अंदर। द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ट्रायंगल इज, आपने रिमेनिंग पोर्शन जो ट्रायंगल का उसका एरिया निकालना है, मींस आपने ये वाला एरिया निकालना है जो बाकी बच गया, जो सर्कल के बाहर वाला पोर्शन है इसका एरिया निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा, ये बाहर वाला रिमेनिंग पोर्शन का एरिया, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, अगर मैं पूरे ट्रायंगल के एरिया में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दूं तो मेरे पास रिमेनिंग एरिया आ जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो क्या करना मुझे करना पड़ेगा, मुझे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में से, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में से क्या माइनस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है, रूट थ्री अपॉन फोर इंटू साइड का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अब ये सर्कल क्या है, ये इन सर्कल है, इसको क्या बोलेंगे हम इन सर्कल, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर बनाया गया तो इन सर्कल है। जो इन सर्कल बनता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर, तो जनरली बता रहा हूँ आपको, अगर कोई ट्रायंगल है उसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर किसी भी ट्रायंगल नहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर आप एक अगर इन सर्कल बनाते हो तो उसका जो रेडियस बनता है ये उसकी वैल्यू क्या होती है ए अपॉन टू रूट थ्री, क्या होती है ए अपॉन टू रूट थ्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो ये आपका आपने बनाया है इसका रेडियस कितना आएगा, इसका आएगा 24 अपॉन टू रूट थ्री ये बनेगा। ठीक है, ए क्योंकि साइड क्या है ट्रायंगल की 24 है, 24 ए अपॉन टू रूट थ्री में टू रूट थ्री आ जाएगा। तो आप यहाँ पे कराओगे एरिया ऑफ सर्कल होता है क्या, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर का स्क्वायर, और रेडियस का काम कौन क्या करेगा, करेगा ये, इसको काट दो अगर तो ये क्या बना 12 अपॉन रूट थ्री ए इन सर्कल का रेडियस बना पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता ना फॉर्मूला, आर के लिए डालेंगे ये आर है हमारा। ठीक है, ये आर डालते हैं रूट थ्री बाय फोर, साइड यहाँ पे ट्रायंगल की साइड आएगी 24 का स्क्वायर माइनस पाई, ये आर इन सर्कल का रेडियस है कितना बना 12 अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं रूट थ्री अपॉन फोर इंटू 24 इंटू 24 स्क्वायर का मतलब ये होता है माइनस पाई, पाई कितना होता है 22/7। उन्होंने अगर बोला हुआ है पाई आपने रूट थ्री लेना है, रूट थ्री की वैल्यू सर पाई का तो नहीं कुछ बोला, रूट थ्री का बोला उन्होंने, बाद में डालूंगा
पाई 22/7 रहने दो, इसका स्केयर कर दो क्या हो जाएगा 12/√3 इंटू 12/√3, स्केयर कंप्लीट करते हैं, दो बार आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। काटो 6 4 24 होते हैं तो कितना बना 24 6 144 होते हैं 144√3, इसको मल्टीप्लाई कर लो माइनस, अभी कितना बना ये √3 × √3 बन गया 22/7 इंटू 12 × 12 कितना होता है 144 अपॉन कितना बन गया 3, इसको काट दो 3 4 12 2 24 है ना, 8 पे जाएगा 8 3 24 होता है ना, 8 3 24 तो कट गया ठीक है, तो ये बन गया आपका क्या बना 144√3 माइनस 22/7 इंटू 48। ओके अब तो देखो इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा या अप्रोक्सीमेट आप निकाल सकते हो आंसर, सारे के सारे आंसर बड़े पास पास हैं, देखो 98.55 तो आप ऐसे आइडिया लगा सकते हो, देखो एग्जैक्ट तो कोई आंसर आ नहीं रहा, 100 तो इसका बन ही नहीं सकता ना क्योंकि कट ही नहीं रहा, 7 7 49 होता है 48 ये भी नहीं कट रहा, ये भी पॉइंटों में आएगा, तो इसका आंसर तो आप आइडिया के हिसाब से फर्स्ट लगा सकते हो कि इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा क्योंकि बाकी तो कंप्लीट जो नंबर नहीं बन रहा। निकाल के दिखा देता हूँ आपको 144√3 की वैल्यू निकालो, पहले कैसे निकालोगे 144 को आप √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, √3 कितना है 1.732, इसको मल्टीप्लाई करो 1.732 को किससे मल्टीप्लाई करना है 144 को, इसे करो 4 2 8 4 3 12 728 दो कैरी 4 4 4 2 6 फिर से नीचे भी आ जाएगा 8 2 9 6 फिर चलो आगे फिर क्या आएगा 2 3 7 1 नौ 8 8 2 10 1 कैरी 9 10 11 12 13 14 1 कैरी 9 10 16 19 714 ठीक है, कितने डेसिमल के बाद राइट साइड में कितने डिजिट हैं 3 1 2 3 हैं, तो यहाँ पे 3 गिन लो 1 2 3 यहाँ पे, तो ये तो बन गया 249.408 है ना, 249.408 बना। अब ये कितना बनेगा इसको ही देखना पड़ेगा कितना बनता है, इसको आप 22/7 को लेना चाहते हो 3.14 ले लो, अगर नहीं लेना तो मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हो, पहले 22 को मैं 48 से मल्टीप्लाई करूँगा फिर 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है जी कर ही देता हूँ 48 को 22 से मल्टीप्लाई 8 2 16 9 6 9 6 9 15 1 0 5 6 कितना आया 1056 अपॉन 7 डिवाइड 7 से करना है ना, तो 1056 को 7 से डिवाइड भी कर दो 1056 को 7 से आते कम 7 3 बचे 7 5 35 0 बचा नहीं ऊपर से 6 आ गया छोटा कम पड़ गया 0 लग गया 0.0 8 7 56 4 बच गया 7 5 35 ठीक है 5 5 50 बन जाएगा 49 ये बना 150.857 तो ठीक है दोनों चीज़ें पता लग गया आपको कितनी कितनी बनी है, जब आपने इसको सॉल्व किया 144√3 तो कितना आया 249.408 आया, जब आपने इस पीछे वाले को सॉल्व किया कितना आया 150. माइनस करना है 150.857 इसको माइनस कर लेते हैं 249.408 में से अगर आप 150.857 माइनस करते हो तो कितना आता देखो 8 में 7 के 1 यहाँ पे 10 में 5 में कितना रह गया 3 है ना, तो कितना बन गया 5 8 5 13 8 रह गया 8 कितना बना 14 में से इधर 8 5 4 9 98 9 बने 9 बच गया 98.551 देखो बन गया ना फर्स्ट ऑप्शन 98.55, तो थोड़ी कैलकुलेशन थी इसमें वो सॉल्व करने में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है क्वेश्चन, लेकिन इसमें जाना ही नहीं आपने, मैं तो करके दिखाया कि एग्जैक्ट आंसर आएगा इसका, पर आपने इतनी कैलकुलेशन में नहीं जाना, आपको यहीं से पता लग गया था कि पूरा आपस में कट नहीं रहा, अगर कट नहीं रहा तो इसमें एक ही ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन क्या बचता है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है
क्योंकि वही एक डेसिमल में है, बाकी सारे जो हैं बाकी सभी के हैं पूरे पूरे नंबर हैं, ठीक है, डिस्क्रीट नंबर्स हैं।